कोटान कोट दंडवत करू, कोटान कोट करू प्रणाम, कोटान कोट विनती करू, बक्सो मेरे धन श्री श्यामल जी वर्षा। श्री राज श्री ठकुराणी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाए छे डाणे, एक एक डाणे में दस दस रंग जवेरों के झलकत है, दो छत्री दो स्वरूपों के ऊपर, दो फूल लाल माणी के कमल के से, नीलवी की पांखड़ी छत्री के चारों तरफ, जवेरों की झालर छे डांडे पर छे कलश दो छत्रियों के ऊपर, ये आठों कलश हेम के, उतरती कांगरी पश्मी बिछोना, एक गादी दो चाकले तापर पांच तकिए, श्री राज श्री ठकुराणी जी दो चाकले पर विराजमान भय, कै चाकले चित्रकारी तापर बैठे श्री युगल बिहारी, दो स्वरूप चित में लीजे फेर आत्म को दीजे, आत्मा से न्यारे न कीजे अधछीन, फेर कीजे दर्शन, पहले अंगुली नख चरण मस्तक लो कीजे वड़न, सब अंग वस्त्र भूखण शोभा जाने आत्मा के लगन, सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, नीली लाही को चरणियों श्री राज जी को सिंगार, सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की जार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, श्री जुगल किशोर को मूल वागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, सब साथ को करु प्रणाम, सब सुंदर साथ को करु प्रणाम, सब सुंदर साथ को करु प्रणाम। धाम की लाडली सखियां बड़ी प्यार सी, बड़ी प्रेम सी, हेत सी धनी जी की परिक्रमा करती हैं, और परिक्रमा गायन के साथ साथ अपनी निश नैनों से धनी संग श्री परम धाम में विहार, फिर उनके स्वरूप श्रृंगार को में रखना, उनके साथ कुंजवन की रेती में दौड़ लगाना, मूल मिलावे की शोभा को अपलक निहारना, बड़ी प्यार से उनके साथ धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा कर अब सखियां स्वरूप पढ़ती हैं, रात्रि काल का स्वरूप। श्री राज श्री ठकुरानी जी पांची भोम मध्य परवाली रंग मंदिर के सिंहासन पर विराजमान है। श्री श्री श्यामा जी श्री रंगमहल की पांची भोम घेर कराई 6,000 मंदिरों की दो हारे, उनके बाद हवेलियों के फिरावे भी पार किए, 28 मंदिर की फुलवाड़ी भी पार की, तो तीन चौकों की तीन हारे नव चौक, उनमें भी जो मध्य का चौक है, उन चौक में सखियों के शयन के मंदिर, और उन्हीं चौक के ठीक मध्य श्यामा जी का मंदिर रंग परवाली मंदिर, परवाली रंग में महकता उन मंदिर में सुंदर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाए छे डांडे, एक एक डांडे में दस दस रंग जवेरों की झलकत है, पिया जी का सिंहासन कंचन रंग का अति सुखद सिंहासन, अति प्यारा सिंहासन धनी जी का कंचन रंग का, उनके सुंदर छह पायों पर छह डांडे, और एक एक डांडे में दस दस पहल जगमगा रहे हैं, दस दस पहल नूरी शोभा ली, दो छतरी दो स्वरूपों के ऊपर, दो फूल लाल मानिक के कमल केसी नीलवी की पांखड़ी, छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर, छह डांडों पर छह कलश दो छतरियों के ऊपर, ये आठों कलश हेम के, उतरती कांगरी, दो छतरी दो स्वरूपों के ऊपर,
सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी की सोनी बैठक और उन पर उनके शीश कमल के ऊपर दो छतरियां लगी हैं। दो फूल लाल माणिक के, कमल केसी नीलगिरी की पाखड़ी। उन छतरियों में दो लाल माणिक के फूल लटकते हुए, कमल के समान उनकी नीलवी की पंखड़ियां अति सोहनी लग रही हैं। छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर और छत्र की चारों तरफ जवाहरातों की झालरें। छह डांडों पर छह कलश, छह डांडे, प्रत्येक डांडा जो दस दस पहल का आया है, उन पर छह कलश, दो कलश दो छतरियों के ऊपर और दो कलश दोनों छतरियों के ऊपर। ये आठों कलश हेम के, ये आठों कलश हेम के स्वर्ण के अति सुंदर जगमगाते। उतरती कांगरी, कांगरी की अपरंपार शोभा, छतरियों के ऊपर से उस सुंदर कांगरी उतरती हुई अति सोनी लग रही है। पश्चिमी बिछोना एक गादी दो चाकले, तापर पांच तकिए। शिराज शिर ठकरानी जी दो चाकले पर विराजमान भए, कई चाकले चित्रकारी तापर बैठे सी जुगन बिहारी। पिया जी का सुंदर सिंहासन, छह पायों पर छह डांडे, सुंदर गादी, गादी पर बिछोना, दो चाकले, बैठने के आसन, उन पर बेशुमार सुंदर चित्रकारी। पांच तकिए, दो तकिए श्री राज श्यामा जी दोनों स्वरूपों के पीछे की ओर, एक मध्य दोनों स्वरूपों के और एक-एक दाएं बाएं, उन पांच तकिए। पश्चिमी बिछोना एक गादी दो चाकले, तापर पांच तकिए। शिराज शिर ठकरानी जी दो चाकले पर विराजमान भई, कई चाकले चित्रकारी तापर बैठे श्री जुगन बिहारी। ऐसे अति सुंदर सिंहासन पर शिराज श्यामा जी विराजे हैं। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। आत्मा से न्यारे न कीजिए अधीन, फिर कीजिए दर्शन। दो स्वरूप श्री राज श्यामा जी की सुंदर शोभा को फिर चित्त में लीजिए, तो फिर श्री राज श्यामा जी की सुंदर स्वरूप को चित्त में लेती है। एक पल के लिए भी उन चरणों से दूर नहीं होना है, फिर दर्शन करने हैं। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग बस्तर भूखन शोभा जाने आत्मा के लगन। सबसे पहले उनके चरणों की शोभा, उनकी अंगुरियां, उनके अंगूठे, उनके नखों की शोभा, नख से शिख, फिर पिया जी का दीदार, उनके वस्त्र आभूषणों का दीदार, सुंदर शिर ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंध्या रंग चढ़ाव की साड़ी, श्याम रंग चढ़ाव की कंचुकी, नीली लाई को चढ़निया। श्यामा महारानी ने अति सुंदर सिंध्या रंग चढ़ाव की साड़ी धारण की है, श्याम रंग चढ़ाव की उनकी कंचुकी है और नीली लाई को उनका चढ़निया। कुछ इस अदा से श्यामा महारानी ने साड़ी धारण की है कि उनकी चरणिया
और कंचुकी का दीदार साड़ी में से झिलमिलाता हुआ। श्री रजी को श्रृंगार सिंधिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलू न पीलू बीच के रंग को पटका, केसिया रंग जड़ाव की इजार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा। शिराजी ने सिंध्या रंग जड़ाव की अति सोनी पाग धारण की है। अति सुंदर पाग दिल में भाव लेके रूहों को रिझावन खाते, कंधे अंग पर आसमानी रंग की अति सुंदर महीन पिछोरी, कमर में नीलो न पीलो पटका आभूषणों से भी सरस, केसिया रंग चढ़ाव की उनकी अति सोनी इजार, इजार की मोहरी, इजार का नेफा कितना सुंदर झिलमिलाता हुआ, और उनका श्वेत रंग का जामा लंबा तो काड़े अंग तक आया है, और जामे में से झिलमिलाती इजार और पिछोड़ी में से झिलमिलाता उनका जामा। श्री जुगल स्वरूप को मूल वा को अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार को फेर फेर चित्त में लेके, उनके अद्वैत स्वरूप की लाठी का सहारा लेके, समस्त सुंदर साथ को फेर फेर प्रणाम, फिर फेर उनके चरणों में सिजदा। श्री जुगल स्वरूप को मूल वा को अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, सब साथ को प्रणाम।